हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, वेलकम है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पास्ता का रेसिपी। पास्ता रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये मैंने 200 ग्राम लगभग पास्ता लिया है और ये मैंने लंबे लंबे प्याज को कट कर लिया है, एक प्याज, और ये पतले पतले मैंने गाजर को कट किया है लंबे लंबे साइज में, और मैंने एक मिर्च लिया है। आप हरी मिर्च को बारीक बारीक भी काट कर डाल सकते हैं, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इस तरह से लिया है। और ये मैंने 2 से 3 लहसुन कटा हुआ और ये आधा इंच मैंने कटा हुआ अदरक लिया है, और मैंने एक टमाटो कटा हुआ, और ये शिमला मिर्च, आधा शिमला मिर्च कटा हुआ मैंने लिया है। तो चलिए मैं रेडी करती हूँ। पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था पहले से, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें मैं पास्ता को बॉईल करूँगी। पास्ता मैं बॉईल करूँगी और बीच बीच में पास्ता को मैं इस तरीके से चलाती रहूँगी। तो जब तक फ्रेंड्स मेरा 5 से 10 मिनट्स लग जाएगा इसको बॉईल होने में, तब तक मैं आगे चलती हूँ, रेडी करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स जब तक मेरा पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक मैं सारे वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ और साथ ही अदरक कटा हुआ। अब मैं इसमें कटा हुआ लंबे लंबे प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको हमें हल्का ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें मैं पतले पतले लंबे लंबे कटे हुए गाजर डाल रही हूँ। इसको भी हम 1 मिनट फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो गया है, इसमें मैं कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करें, साथ ही एक हरी मिर्च, और इसको भी हमें अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही भूनते रहना है। लगभग हमारे सब वेजिटेबल्स पक गए हैं, तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करें कटा हुआ। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि टमाटर ऐड करने के बाद तुरंत मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ, जिससे क्या है मेरा टमाटर जल्दी गल जाता है। मैं टमाटर सॉल्ट ली हूँ 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से लेंगे। अब इसको टमाटर गलने तक ढक के पकाएंगे 2 मिनट। तो 2 मिनट तक लो फ्लेम पे मैंने सब्जी को ढक वेजिटेबल्स को मैंने ढक के पकाया था। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स हमारा सारा अच्छे से पक गया है और टमाटर भी गल गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, आप अपने हिसाब से और भी मसाले जैसे धनिया पाउडर ये सब भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा चलाते हुए फिर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस। आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें सॉस ऐड किया है। तो फ्रेंड्स हमारा ये एकदम रेडी है। बीच में हमें पास्ता ऐड करना है। पास्ता को मैंने बॉईल कर लिया था और ज़्यादा नहीं, इस ऐसे हल्का ही बॉईल करना है जिससे कि मेरा ये शेप बिल्कुल ना बिगड़े। तो चलिए हम ये बॉईल किए हुए पास्ता ऐड करते हैं। तो फ्रेंड लो फ्लेम पे 2 मिनट हम इसे भी भून भून के ऐसे ही पकाएंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो गया है और पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इस तरीके से बनाएंगे पास्ता तो ऐसे एकदम खिला खिला अलग अलग होगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ना ही इसका शेप बिगड़ेगा। तो चलिए हम इसमें अब
कोरिएंडर लीफ डाल के, और अब इसे हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये झटपट सा पास्ता बन के एकदम रेडी है, सर्व करने के लिए तैयार है। आप सब देख सकते हैं, नॉट यमी लग रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, हमारे रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और हमारा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।